ओम हिरी मिलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जन छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि सनेश्चरम। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम, आज की वीडियो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। जी हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष आज मैं लेकर आया हूं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कर्क राशि की शनि की ढैया के ऊपर आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। आज मैं आपको तीन विषय के बारे में बताऊंगा। शनि की ढैया वर्ष 2022 में कब शुरू होगी, कब जाकर खत्म होगी, और दूसरा, जब शनि की ढैया कर्क राशि पर शुरू होगी तो आपके जीवन पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, शनि की ढैया के क्या प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या शनिदेव आपको देने वाले हैं, और तीसरा, शनि की ढैया को आपको समझना है, शनि की ढैया को समझना है, जानना है। भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए आपके मन में, कोई कंफ्यूजन, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आपके मन में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या उपाय, अचूक उपाय आपको करने चाहिए शनि की ढैया के बुरे प्रभाव को खत्म करने। चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरुआत। दोस्तों, इससे पहले वर्ष 2012 में अगस्त में आपकी शनि की ढैया शुरू हुई थी, जो कि 2014 तक रही थी, अब 2022 में शुरू होने वाली है। शनि देव, जिनको कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कर्म फलदाता व न्याय के देवता, जब भी शनि की ढैया व शनि की साढ़े साथी आती है हमारे जीवन पर, तो सबसे पहले तो हमको हमारे कर्मों के फल तो देती है, एक रियल पिक्चर यानी कि एक रियलिटी हमको दिखाती है, मैच्योरिटी हमको देती है, और दूसरा, जैसा आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव होंगे, जैसी शनिदेव की पोजीशन आपकी कुंडली में होगी, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। और दोस्तों, शनि की ढैया लगती कैसे है, शनि की ढैया शुरू कैसे होती है, चंद्रमा से, हमारी राशि से, जब शनिदेव फोर्थ हाउस और एट्थ हाउस में ट्रांजिट करते हैं यानी कि गोचर करते हैं, तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है। अब आपकी कर्क राशि है तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ आपके एट्थ हाउस में शनिदेव आ जाएंगे, आपकी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। चलिए जानते हैं कब शुरू होगी शनि की ढैया। 29 अप्रैल 2022 में शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। फिर 13 जुलाई को शनिदेव वापस से मकर राशि में आएंगे। 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई 2022 तक शनि की ढैया रहेगी। फिर 17 जनवरी 2023 में फाइनली शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो कि 27 मार्च 2025 तक रहेगी। यानी कि आपकी शनि की ढैया खत्म होगी 27 मार्च 2025 में। अब जानते हैं कि शनि की ढैया का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। दोस्तों, शनिदेव आपकी राशि से आपके एट्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे, एट्थ हाउस में गोचर करेंगे, और वहां से शनिदेव की दृष्टि आपके 10th हाउस, 2nd हाउस और आपके 5th हाउस पे पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जब शनिदेव 8th हाउस में आ जाएंगे तो सबसे पहले तो एंजाइटी और थोड़ा बहुत टेंशन होना ये आपको होगा। बिना वजह की चीजों पर टेंशन आप ले सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ एक होता है कि जैसा मुझे दिखता है नेगेटिव और पॉजिटिव, वैसा मैं आपको बताता हूं। शनि की ढैया जब शुरू हो जाती है तो बिना वजह की एंजाइटी आपको देती है, बिना वजह की टेंशन आप लेने लग जाते हो, वो आपको नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात, अपने करियर को लेकर आप ज्यादा सोचने लग जाते हो, कर्म क्षेत्र को लेकर थोड़ी बहुत डिसेटिस्फेक्शन आपको होने लग जाती है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं, उसका फल मुझे कम मिल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, लेकिन जब शनि की ढैया शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले तो जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी है, विवाह होने की संभावनाएं भी कर्क राशि वालों की बहुत अच्छी होगी ये शनि की ढैया में। और तीसरा, कि जो भी आपके रुके हुए काम थे, आपके जो पेंडिंग काम थे, आपके जो अटके हुए काम थे, आपकी अड़चनें हो रही थी आपके काम में, वो सही हो जाएंगी, क्योंकि शनि की ढैया शुरू तो हो रही है लेकिन शनिदेव अपनी राशि पर आ रहे हैं, कुंभ राशि में। लेकिन ये कुछ नेगेटिव आपको क्या प्रभाव देगी कि आपके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है, आपको एंजाइटी ज्यादा हो सकती है, मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है, स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, आपके वाणी पर कंट्रोल नहीं होगा, आपके अंदर जिद ज्यादा देखी जाएगी, एकदम से गुस्सा ज्यादा देखा जाएगा,
फैमिली में कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों की वजह से प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है, लेकिन अच्छा ये होगा कि आपके रुके हुए काम पूरे देखे जाएंगे। कुछ अनएम्प्लॉयड है, अगर किसी के पास नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं, विदेश जाने की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी, विदेश गतिविधियां बहुत अच्छी देखी जाएंगी। एट्थ हाउस में शनि का आना आपको डीप नॉलेज देगा, यानी कि कुछ अगर हायर एजुकेशन ले रहे हैं कर्क राशि वाले व्यक्ति, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हायर एजुकेशन बहुत अच्छी देखी जाएगी, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी देखी जाएगी, आपका प्रेम प्यार बहुत अच्छा देखा जाएगा ये शनि की ढैया शुरू होने पर। और एक बात मैं आपसे विशेष कहना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आप लोहे से रिलेटेड मशीनरी, फैक्ट्रीज, कोयला, चमड़ा, ऑयल एंड गैस, टेक्निकल इंजीनियरिंग, इस फील्ड में काम करते हैं कर्क राशि वाले, तो आपके लिए वो फील्ड बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अपने काम को लेकर डिसेटिस्फेक्शन आपके साथ में रहेगा, वो विशेष आपको ध्यान रखकर चलना है। और दोस्तों इसके साथ आपको अपनी मैरिड लाइफ और अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ पर भी ध्यान रखकर चलना होगा। क्या उपाय करने चाहिए आपको ये नेगेटिविटी को कम करने के लिए कर्क राशि वालों को? सबसे पहले तो दोस्तों शनि देव के बीज मंत्र आप जरूर करें सूर्य अस्त हो जाने के बाद। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। और दूसरा दोस्तों रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। अगर आप ये रोजाना फॉलो करते हैं तो शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।